वायरस के चलते किए गए लॉकडाउन के बाद दिल्ली के सभी इलाकों में सरकार द्वारा संचालित सरकारी स्कूलों में कई हंगर रिलीफ सेंटर बनाए गए हैं। ऐसा ही एक सेंटर दिल्ली के मंगोलपुरी स्थित ओ ब्लॉक के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बनाया गया है, जहाँ पर इस हंगर रिलीफ सेंटर में लोगों को पूरे नियमों के साथ भोजन तैयार करके दिया जाता है। साथ ही लोगों के हाथों को सैनिटाइज भी किया जाता है और उन्हें कोरोना के विषय में जानकारी देने के साथ साथ बचाव के उपाय भी बताए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बांटने के लिए करीब 500 लोगों को खाना आता है, जबकि यहाँ पर 100 से 150 लोग ऐसे हैं जिन्हें बिना खाना खाए ही लौटना पड़ता है। केंद्र के इंचार्ज ने कई बार प्रशासन से लिखित में मांग की कि यहाँ पर खाने की मात्रा को बढ़ाया जाए ताकि यहाँ पर सभी लोगों को पूरा भोजन मिल सके। हालांकि यहाँ भी लोगों को दो वक्त का भोजन दिल्ली सरकार की तरफ से मुहैया कराया जाता है, पर खाने की कमी के कारण कुछ लोगों को वापस लौट जाना पड़ता है। ये स्कूल हंगर रिलीफ सेंटर बनाया गया है, यहाँ लगभग डेली 500 आदमियों का खाना आता है। हमने प्रॉपर अरेंजमेंट कर रखा है सर, सभी को हैंड वॉश कराते हैं, हैंड सैनिटाइज कराते हैं, सैनिटाइज हमारे पास अवेलेबल है, सबको डिस्टेंस मेंटेन कराते हैं और बताते भी अनाउंस करके कि आप घरों में रहें, बिना जरूरत के ना निकलें, खाना लेने आएँ पन्नी बना लें, अपना बर्तन साथ लेके आएँ, दूर दूर गैप बना खड़े होकर खड़े हों। और जो क्राउड हमारे यहाँ पब्लिक खाना लेने के लिए आती है उसकी संख्या बहुत ज़्यादा है, उसका क्राउड ज़्यादा है, बट जो खाने सप्लाई हो रही है वो थोड़ा पब्लिक के हिसाब से कम हो रही है। मेरी बार बार ये रिक्वेस्ट भी है, लिख के भी दे रहा हूँ कि इस खाने की मात्रा पब्लिक के अकॉर्डिंग बढ़ाई जाए। 500 की ऑन एवरेज खाना आता है, 500-550 आदमियों का, वो हम प्रॉपर बांट रहे हैं, खाना बांटे में यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर तरीके से सरकार की जो गाइडेंस है, गाइडलाइन है, उसको हम फॉलो कर रहे हैं पूरी तरह से और व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से चल रही है। प्रॉब्लम ये है कि जो लोग बिना खाने लिए लौट जाते हैं, लगभग 100 या 150 आदमी, वो कहीं बाहर जाके रिपोर्ट करते हैं कि जी ओ ब्लॉक स्कूल में खाना नहीं बट रहा। उनकी भी गलती नहीं है, जिसको नहीं मिलेगा वो यही बोलेगा मुझे खाना नहीं मिला, बट जब तक यहाँ खाना चलता है। तो आपका कहने का मतलब है खाना यहाँ शॉर्ट आ रहा है लोगों के हिसाब से? लोगों के हिसाब से स्ट्रेंथ ज़्यादा है और खाना जो है जो क्राउड है पब्लिक का वो ज़्यादा है और क्वांटिटी ऑफ मील है वो कम है, कम थोड़ी कम है। ठीक, तो मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि यहाँ क्वांटिटी बढ़ा दी जाए ताकि हम और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खाना प्रोवाइड करा सकें।